चलिए, नमस्कार भैया जी। तो नमस्ते। 14 तारीख को फाइनल है ना, और लगभग कितना बजे से शुरू होगा? लगभग वही 1-2 बजे से स्टार्ट होगा। कितना बजे? 2 बजे से स्टार्ट होगा, शाम को? अच्छा शाम पे दोपहर 2 बजे। अच्छा और लगभग कितना बजे तक चलेगा? 11 बजे तक चलेगा। रात शाम का 10 से 11 बजे तक चलेगा ना। राइट राइट राइट। और पूछ रहे थे वहां पर, मतलब एक तो हम है और जैसे पावर म्यूजिक ना, पावर म्यूजिक आ रहा है। ठीक है, और ये अभी उधर बारिश हो रहा है या नॉर्मल है? नॉर्मल है, कोई बारिश नहीं अच्छा, है। क्योंकि भद्रक तरफ ना कहाँ बारिश हो रहा है शायद, ये इधर हो रहा है मेदनीपुर तरफ। ठीक है, और बाकी देख लीजिए व्यवस्था। बोले वो रख के बजेगा? स्टैंड स्टैंड बाय में बजेगा। अच्छा, भाई क्योंकि अगर कुछ हाँ, और सारा चीज तो बात हो ही गया है लगभग, मतलब कितना चौड़ाई रहेगा? चौड़ाई पावर आ रहा है 32 फीट में। अच्छा, आप भी 32 फीट में बढ़े। मतलब 32 फीट 32 फीट इस बार ना। ठीक है तब, क्योंकि इस बार ये कंपटीशन का मजा, ये जो वीडियो इस है, बार कंपटीशन का मजा डबल होगा। हाँ, लोगों को जो जिसको परेशानी है वो नहीं आएंगे ग्राउंड पे, है कि नहीं? हाँ, दूर रहेंगे, दूर रहे वो, ये ग्राउंड पे होगा ना? ग्राउंड पे है। थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए लोगों को। ये केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, पटामुंडा एक जगह है वहीं पे। केंद्रापाड़ा पटमदा पट्टामुंडाई, पट्टा मुंडाई, एमएन हाई ओके। स्कूल ग्राउंड, अच्छा, स्कूल का क्या नाम है? एमएन हाई स्कूल। एमएन हाई स्कूल है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एमएन हाई स्कूल आपको सर्च करना है और केंद्रापाड़ा बोल के आप लोग को देखने को मिलेगा। और बाकी भैया से सारा जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह का वहाँ होने वाला है, मतलब 32 फीट में लगाना है, कौन क्या स्पीकर लगा रहा है, कौन 12 इंची लगा रहा है, ना 18 इंची लगा रहा है, ना 21 या 24 या 32, जिसको जो लगाना है लगाओ, जो भी लगाना है लगाना लगाओ, लेकिन वो 32 फीट में होना चाहिए। 32 फीट पावर म्यूजिक बोला है कि मैं 32 फीट जा रहा हूँ, तो डबल सेटअप है इसका है। हिसाब से आपका देख जो लीजिए। भी है सेटअप जो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, किसी को ये नहीं है, उन्हीं के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। उनका अगर 32 फीट है तो हम लोग भी स्टैंड बाई में 32 फीट में ही रखेंगे। राइट राइट। आप यहाँ पर किसी को ये दबाव नहीं है कि वो क्या लगाएगा या हम क्या लगाएंगे, 32 फीट स्ट्रेट रहेगा, कोई ये नहीं कि टेढ़ा टेढ़ा कर, हाँ स्ट्रेट रहेगा, पूरा सीधा 32 फीट में लगाना है। हाँ, स्पीड पे आमने जो कंपटीशन होगा आमने सामने करेंगे, जो भी है ग्राउंड के बीच में दोनों का बजे, राइट। वो तो खुला जगह है, मैंने आप लोग का कागज वगज भी सारा चीज देखे, मतलब जो बात किया हुआ है। और ऐसे अगर दिक्कत होता है, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, क्राउड हो जाता है, तो उस समय आप लोग को क्या डिसीजन लेना है? जो लोकल प्रशासन होगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। अच्छा, डिपेंड करता है और फील्ड पे, मेरे को लगता है बहुत बड़ा फील्ड है। हाँ, बड़ा फील्ड है, जगह 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 बहुत ज्यादा है, लगभग 40-50 हजार आदमी वहां पे। हाँ, जो इंटरेस्टेड रहेगा, जिसको दिक्कत रहेगा अपना, वो अपना नहीं आएगा, वो अपना मेला देखेगा, मेला घूम, ये मेला से रोड से हटके है ना, राइट। इसके बगल में कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल या कोई ऑफिशियल एरिया? हॉस्पिटल तो नहीं है, ये स्कूल का ग्राउंड है, अच्छा। मगर जैसे दुर्गा पूजा का टाइम है, स्कूल छुट्टी है हाँ, अच्छा, अभी। उस समय छुट्टी रहेगा ना। अच्छा, हाँ, मतलब आमने सामने कोई साइलेंट जोन जहां पर कुछ भी आपको नहीं, नहीं, नो साइलेंट, कोर्ट वगैरह, ये गांव। कैसे तो दुर्गा पूजा के समय में छुट्टी रहेगा ही, लेकिन एक जानकारी मतलब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं कि
सिस्टम चला रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत हो, ये लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। सामने का कोई रेलवे स्टेशन? नहीं, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे स्टेशन जो है ये 20 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ। 20 किलोमीटर आपके दूर है ना? मतलब 20 किलोमीटर के सामने है, वहां से लोग अगर कोई आना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग वहां पर आएंगे, हरिद्वार जैसे जैसे से भी लोग आएंगे। कम्युनिकेशन जैसे कम्युनिकेशन होगा, जैसे भद्रक से आप आ सकते हैं, भद्रक से चांदवाली, चांदवाली आली, आली टू पटाउंडे पहुंच एक आप सकते हैं। हमको लिस्ट स्ट्रेट बना के लिख दीजिएगा कि सामने का कोई रेलवे स्टेशन कहाँ है, सामने अगल बगल में कोई होटल कहाँ है, क्योंकि काफी लगभग इंडिया से लोग, लगभग पूरा इंडिया से लोग लगभग देखने आएंगे, तो अगर उन लोग को कुछ मदद मिल जाएगा रहने होने के लिए, तो कुछ होटल का नाम भी बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि डेफिनेटली कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, ताकि लोग वहां पर रुकेंगे। हमारा कमिटी हेल्प करेंगे सब कुछ। जो होटल होटल है यहाँ पे, मयूरी है, ग्रांड जो भी है वो एक है। लिस्ट दे दीजिएगा, ताकि अपना चैनल में छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 32 फीट में लगाना है, वो क्या लगा रहा है हमको नहीं देखना है, हम क्या लगा रहे हैं हम उसको नहीं देखना है, राइट, ये फाइनल है। चलो फाइनल। दोस्तों, तो ये तय हुआ, इस बार गाड़ी पे नहीं लगेगा, रख के बजाना है, लेकिन 32 फीट पे अपने हिसाब से अपना हाइट भी देखना है, कि ऐसा भी हाइट ना कि किसी को कोई दिक्कत हो, बाकी सब अपने अपने हिसाब से लगाएंगे। तो जो भी है, देखिए, सब कोई अपना अपना अच्छा क्वालिटी देने का कोशिश करेंगे, और कोशिश रहेगा कि आप सभी को पसंद आए, और बस सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, आप लोग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और एक चीज, वहां पर जो भी आते हैं, बहुत सारे चीजों का ध्यान दीजिए, देखिएगा खाना, और कोई भी किसी को अगर दिक्कत है तो भाई उतना भीड़, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होने वाला है, तो लोग कोशिश कीजिएगा जिसको दिक्कत है वो ग्राउंड पे आए नहीं, क्योंकि क्राउड होगा, बाजा बजे या ना बजे, लेकिन क्राउड इतना होगा कि हो सके आदमी अपना जो दोस्त वस्त है हाथ से छूट जाए, तो मोबाइल उबाइल भी अपना सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि हर तरह का आदमी रहेंगे, है ना, अपना सामान भी अपना खुद सब कोई ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो कमिटी दायित्व नहीं रहेगा किसी का पर्सनल चीज, क्योंकि वो कमिटी के अंडर में नहीं आता है, क्योंकि वहां पर ऑल ओवर इंडिया से लोग आएंगे, तो लोग अपना सामान का जिम्मेवार खुद है, ये ध्यान रखिएगा खास अगर किसी को करके। साउंड का प्रॉब्लम है, वो ग्राउंड के अंदर ना जाए, तो बाहर हाँ, वो अलग है, लेकिन चोरी वोरी जैसे होता है ना, पॉकेट मार वगैरह, तो ये चीज तो लोगों को अपना सामान का अपना ख्याल रखना ही होगा, इसमें कोई भी रहेगा। कमिटी का ये नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और बाकी इसको थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि लोग जान जाएंगे, और बाकी और भी अपडेट जो बाकी सारे यूट्यूबर है वो इसके माध्यम से तो दे ही देंगे। तो 14 तारीख को हो रहा है, 13 तारीख को रावण दहन है, तो जो लोग इंटरेस्टेड थोड़ा सा रावण दहन देखने के लिए भी, वो 13 तारीख को आ सकते हैं, क्योंकि एक नया, रात को हाँ, क्योंकि है, और भैया का टेस्टिंग भी 13 तारीख को है, रात को कोशिश, है। खाली ऊपर बरसात उरसात ना हो, हम लोग भी कोशिश करेंगे जल्दी ही टेस्टिंग देके हम लोग भी वाले रावण हाथ दहन वहन सारा चीज देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक हम लोग के लिए होगा कि एक नया जगह दुर्गा पूजा देखेंगे, तो राइट। एक अच्छा बात है, वो भी काफी दूर घर से जाके। तो ठीक है, वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, अभी लोगों को फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि बाद में कोई किंतु परंतु ना हो, ठीक है। बाकी कौन क्या लगा रहा है वो देखना नहीं है, सबका जो अपना अपना खूबी है, जो अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं सबको अपना दिखाएंगे। 32 फीट के अंदर होने जी वाला है, तो दोस्तों वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हैं, आप सबको भी नमस्कार भैया, गुड जय नाइट, जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, फिर मिलते हैं बाद में, नमस्ते। बाय बाय।